Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वच्छता का समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ दस व्याख्यान वाले इस श्रृंखला में आज हम जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रसंग में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं इससे पहले जो हमने व्याख्यान दिया था उस पर हमने पर्यावरण और स्वच्छता के प्रसंग में विस्तृत चर्चा की थी और जिसमें हमने इस बात पर बल दिया था कि स्वच्छता पर्यावरण और समाज किस तरह से अंत संबंधित है और अगर हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना है वायु को स्वच्छ रखना है जल प्रदूषण वायु प्रदूषण इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से अपने समाज को बचाना है तो स्वच्छता का महत्व जानना परम आवश्यक है इस तरह से हमने पिछले व्याख्यान में यह जानने की कोशिश की थी कि स्वच्छता समाज के लिए और पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज के इस व्याख्यान में हम जन स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो संबंध है और किस तरह से स्वच्छता निश्चित रूप से स्वास्थ्य से संबंधित है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं हमारे दिमाग में तुरंत इस बात की आ जाती है चर्चाएँ कि क्या हमारे जो आसपास का माहौल है वह ठीक है या जब हम अस्वस्थ होके हम किसी स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए जाते हैं हम कहीं हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं और जाते हैं तुरंत हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण है आसपास की जो स्वच्छता है वह ठीक से की गई है कि नहीं या जिसमें हम स्वस्थ होने के लिए आए हैं ऐसा न हो कि अस्वस्थ माहौल के कारण हम स्वस्थ न हो के अस्वस्थ हो जाएं। इस तरह से जब भी हम स्वच्छता की चर्चा करते हैं निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य समाज संस्कृति वहाँ की जो प्रचलित व्यवस्थाएं हैं उस पर जो हमें विचार करना ही चाहिए इसी से हम जान पाएंगे कि स्वच्छता क्यों आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप स्वस्थ हैं शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सामाजिक रूप से तो यह एक आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम हर तरह से अपने आप को स्वच्छ मान रहे हैं स्वस्थ मान रहे हैं चाहे वह मानसिक स्वच्छता की बात हो या मानसिक स्वस्थता की बात हो या है चाहे मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की भी बात हो हर तरह से हम चाहते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें और इसके लिए निश्चित रूप से आसपास का जो पर्यावरण हो वह निश्चित रूप से स्वच्छ हो हमें यह देखना है कि अगर हम व्यक्तिगत रूप पर अस्वस्थ हो जाते हैं यह हुआ व्यक्तिगत अस्वस्थता इससे हमको असर पड़ता है या यह व्यक्तिगत स्वच्छता या स्वस्थता मानी जाती है अपितु ऐसा भी होता है जिसमें कई बार कई लोग उस बीमारी के कारण कई बार आपने सुना होगा कई महामारी ऐसी आ जाती है जिसमें कई लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं जिसमें कई लोग प्रभावित हो जाते हैं या सिर्फ एक दो ही नहीं कई लोगों को वह जो बीमारी है वह असर करता है तब इसके लिए जो उपचार की ज़रूरत है या इसके लिए जब हम व्यवस्था करते हैं तब निश्चित रूप से जन स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है या बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है इसी तरह से जब हम व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करते हैं कुछ चीज़ ऐसा होता है जो मेरे रहन सहन खान पान या मैं किस तरह से आचरण व्यवहार करता हूँ मैं किस तरह से बाहर रहता हूँ अंदर रहता हूँ क्या खाता हूँ इस पर मेरे स्वास्थ्य निर्भर करता है इसके साथ ही जो आपका परिवार है आपका समाज है या बाकी आसपास के जो आपके लोग हैं उनका क्या व्यवहार है कभी कभी आपका स्वास्थ्य इस पर भी निर्भर करता है खास करके जैसा कि आप इशारा समझ गए होंगे अगर हम स्वच्छता या साफ सफाई की बात करते हैं तो अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूर्णतः सब कुछ स्वच्छ वातावरण रखते हैं किंतु अगर आपके पड़ोस में या अगर आपके समाज के अन्य भागों में ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वच्छता की पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है तो निश्चित रूप से उस वातावरण से आप भी प्रभावित होते हैं और ऐसे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है या कभी-कभी आप सोच सकते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं खाया मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया फिर भी मैं बीमार क्यों हो रहा हूं बार बार यहां आपको सचेत होने की जरूरत है कि सिर्फ आपके व्यवहार आपके खान पान से ही हमेशा आप बीमार नहीं होंगे कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आसपास का जो वातावरण है आपके आसपास का जो पर्यावरण है आपके आसपास का जो स्वच्छता का वातावरण है अगर वह दूषित है तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो न सिर्फ अपने आसपास का बल्कि आप दूसरे को भी प्रेरित प्रेरित करें या अन्य परिवार को भी समझाएं या आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं दूसरे समाज में उनको भी बताएं कि स्वच्छता से रहना या स्वच्छता का माहौल बनाए रखना निश्चित रूप से हम सब के स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है और इस तरह से न सिर्फ आपके आसपास दैनिक जो आप दिनचर्या आपकी होती है उसमें हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम स्वच्छता का वातावरण बनाकर रखें अपितु जब आप किसी अस्पताल में जाते हैं या किसी दूसरे जगह जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में या कार्यालयों में तब भी वहाँ का जो वातावरण है वह निश्चित रूप से स्वच्छ हो अगर आप कहीं अस्पताल जा रहे हैं और उस पत, अस्पताल में जहां आप हैं आपका इलाज चल रहा है वहां का अगर बाकी वातावरण ठीक नहीं है स्वच्छता की जो पा, जो पैमाने होते हैं उस पैमाने पर स्वच्छता के पैमाने पर अगर वह अस्पताल ठीक नहीं है या वहाँ का जो माहौल बनाया गया है वह उतना उपयुक्त नहीं है निश्चित रूप से आपके बीमारी के इलाज में या आप जल्दी ठीक ना हो पाने की संभावना उसमें रहेगी इसलिए चाहे वह घर हो चाहे वह अस्पताल हो चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो चाहे हमारा विद्यालय या महाविद्यालय हो हर जगह स्वच्छता का वातावरण रहना निश्चित रूप से अनिवार्य है साथ ही आप जिस किसी भी साधन से जा रहे हैं उसमें भी या बस से जा रहे हैं ट्रेन से जा रहे हैं या अन्य किसी साधन से जा रहे हैं वहाँ भी साफ सफाई की उतनी ही आवश्यक है ऐसा ना हो कि हम जिस साधन से जा रहे हैं वहाँ कोई अन्य व्यक्ति किसी तरह से गंदा छोड़ के चला गया है या ऐसा माहौल है जहाँ आप बैठेंगे जहाँ आप सांस लेंगे वहाँ का वातावरण अगर प्रदूषित है तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव करेगा जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं स्वच्छता की बात करते हैं तब हमें ये देखना चाहिए कि हम सब इसी देश में रहते हैं हम सब इसी समाज में रहते हैं ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से की गई है जिसमें सब के लिए स्वस्थ रहने की व्यवस्था की गई है सब अगर स्वस्थ रहेगा निश्चित रूप से तभी समाज आगे बढ़ पाएगा अगर हम स्वच्छ नहीं रहते हैं स्वस्थ नहीं रहते हैं तो हमारा जो योगदान है हम जो अपना योगदान दे सकते हैं समाज के निर्माण में राष्ट्र के निर्माण में वह निश्चित रूप से पूरी तरह नहीं दे पाएंगे क्योंकि स्वच्छ शरीर ही स्वस्थ शरीर ही आपको कोई भी काम ठीक से करने के लिए प्रेरित करता है या अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तब निश्चित रूप से आप यह नहीं सोच सकते हैं कि हम वह काम कर लें और अगर आप करने की प्रयास करने का प्रयास भी करते हैं तो वह उतना अच्छी तरह से शायद आप नहीं कर पाएंगे इसी क्रम में जब हम स्वच्छता और स्वस्थता की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि आद, 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 हम लोग किस रूप से यह कहते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है या वह व्यक्ति अस्वस्थ है तो स्वस्थता आखिर है क्या जिसको हम हेल्थ बोलते हैं स्वास्थ्य बोलते हैं उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य स्वच्छता समाज तीनों अंतर्निहित रूप से एक दूसरे से संबंध है हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य को बिना स्वच्छता या बिना समाज के समझा जा सकता है स्वास्थ्य को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यू एच ओ ने कुछ इस तरह से लिखा है इस पर अगर हम ध्यान दें स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है न कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति इससे इस स्पष्ट है कि सामान्य जो हमारी धारणा है कि हम उसी को मानते हैं कि वह व्यक्ति अस्वस्थ है जिसको अगर डॉक्टर के द्वारा कहा गया है कि उसको ये बीमारी है या वो बीमारी है जबकि ऐसी बात नहीं है अगर हम सिर्फ शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं हैं फिर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है इसलिए इसमें समाहित किया गया है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति को स्वस्थ होने की जरूरत है जैसे अगर शारीरिक व्याधि कोई नहीं है व्यक्ति में किंतु किसी कारण से वह अनवरत परेशान है या उसको किसी कारण से समाज द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है या वह व्यक्ति किसी यातना का शिकार है अर्थात मनोवैज्ञानिक रूप से भी अगर वह स्वस्थ नहीं है फिर भी उसको स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा नहीं दी जा सकती है इसी तरह समाज द्वारा अगर उस व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से बिना मानवाधिकार का हनन किए हुए या और किसी तरह से अगर उसको रहने नहीं दिया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष को तो उसको भी हम स्वस्थ नहीं माना जा सकता है इसी तरह कहा जाता है कि शारीरिक रूप से भी हमें स्वस्थ होने की ज़रूरत है मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ होने की ज़रूरत है और सामाजिक रूप से भी हमें स्वस्थ होने की ज़रूरत है अर्थात हम यह अनुभव करें कि इस समाज में मेरी भी वही भूमिका है जो अन्य की भूमिका है या समाज द्वारा जो मान्यता प्राप्त व्यवस्थाएं हैं उसका भी मैं एक अभिन्न अंग हूँ या समाज द्वारा जो सामाजिक नियंत्रण संस्कृति या और कई चीज़ें निर्धारित की गई है वह हम पर भी लागू होता है या हम भी इसी समाज के है। उस व्यक्ति में ऐसा कोई बोध ना हो जो समाज द्वारा मेरे साथ ठीक से बर्ताव नहीं किया जा रहा है चाहे वह धर्म के आधार पर हो जाति के आधार पर हो वर्ग के आधार पर हो लिंग के आधार पर हो क्षेत्र के आधार पर हो किसी तरह का भेदभाव उस व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए अतः इस तरह से हम तब मान सकते हैं अगर व्यक्ति सामाजिक रूप से भी मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अगर वह स्वस्थ है तो अभी हम उसको मान सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है और इसी तरह से स्वस्थता की परिभाषा दी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जिसका स्रोत जो डब्ल्यू के इसी स्रोत से हमने यह परिभाषा लिया है इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की प्रस्तावना भी पुष्टि करती है कि स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानकों का आनंद लेना प्रत्येक मनुष्य के मौलिक अधिकारों में से एक है अर्थात स्पष्ट है कि व्यक्ति निश्चित रूप से स्वस्थ रहे यह उसके मौलिक अधिकार का भी अंग है जो कि डब्ल्यू एच ओ ने बताया है इसी तरह से अगर हम मानव अधिकार की बात करें तब अगर आप देखें मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अनुच्छेद 25 में कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में ही घोषणा कर दी गई थी इसी तरह से अगर हम अपने राष्ट्र भारत की बात करें तो भारत का जो संविधान है भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भी स्वास्थ्य को मानव जीवन के अभिन्न पहलू के रूप में देखता है इस तरह से हम जान सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है न सिर्फ व्यक्ति विशेष तक सीमित है अपितु इसका समाज से राष्ट्र से या विश्व स्तर पर भी इसकी उतनी ही महत्ता की चर्चा की गई है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं स्वास्थ्य स्वच्छता या समाज ये ऐसे कुछ व्यवस्था की गई है या कई आपके यहाँ सामाजिक मूल्य हैं परंपराएं हैं जो कि स्वच्छता से या स्वच्छता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है जब हम स्वच्छता की बात करते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं तब निश्चित रूप से हमें यह भी सोच लेना चाहिए कि हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र हैं हमारे क्षेत्र का जो पर्यावरण है यह सब इसके अनुकूल होना चाहिए साथ ही हम जब स्वच्छता से संबंधित व्यवहार करते हैं वह व्यवहार हमारा वैसा हो जो निश्चित रूप से स्वस्थ रहने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करे अगर हम स्वास्थ्य की चर्चा करें तो इसको चार आधार पर सामान्य रूप में परिभाषित किया गया है और इसकी व्याख्या की गई है स्वास्थ्य को चार आधार पर अगर हम व्याख्या करने की कोशिश करें तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है पहला जो है जिसको बायोमेडिकल दृष्टिकोण कहते हैं बायोमेडिकल दृष्टिकोण में ये माना गया है कि बीमारी के रोगानु सिद्धांत पर आधारित है ये जिसने स्वास्थ्य को बीमारियों की अनुपस्थिति के रूप में देखता है जैसा कि पहले माना जाता था कि अगर किसी व्यक्ति में कोई ऐसे बीमारी नहीं है अगर वह खास डॉक्टर के द्वारा नहीं बताया गया है कि उस व्यक्ति में ऐसे कोई बीमारी है या ऐसे कोई वायरस है तब वह व्यक्ति स्वस्थ मान लिया जाता था इसको कहा जाता है बायोमेडिकल अप्रोच या बायोमेडिकल दृष्टिकोण इसी दृष्टिकोण से कुछ समय तक या एक खास तरह समय में जो स्वास्थ्य है उसको निर्धारित किया जाता था अगर हम दूसरे दृष्टिकोण की चर्चा करें वह है पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच स्वास्थ्य को मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच गतिशील संतुलन के रूप में देखता है जैसा कि हम सब अभी चर्चा कर रहे हैं कि स्वास्थ्य स्वच्छता पर्यावरण यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है व्यक्ति का आसपास का माहौल आसपास का पर्यावरण उसका पारिस्थितिकी कैसा है इसके आधार पर भी स्वच्छता को स्वस्थता को परिभाषित किया गया है या स्वस्थता की जब चर्चा की जाती है कि व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे इसमें इस दृष्टिकोण की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसके बाद जो तीसरा जो दृष्टिकोण है वह है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसको साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बताता है कि स्वास्थ्य का संबंध न केवल शरीर से है बल्कि मन और विशेषकर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी है यहाँ यह समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि हम जब बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है और उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष की जब हम चर्चा कर रहे हैं तब हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि समाज को या परिवार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे यह लगे कि वह व्यक्ति समझ रहा है कि मैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्वस्थ हूँ प्रसन्न हूँ किसी तरह का भेदभाव मेरे साथ नहीं किया जा रहा है इसी तरह जब उसके बाद का दृष्टिकोण है जो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है सोशियो कल्चरल सामाजिक और सामुदायिक संरचना का एक उत्पाद माना जाता है इस रूप में इसने इसको देखा है और यह जो विश्लेषण हमने किया है यह मोहम्मद अकरम और एम आडवाणी का आलेख है हेल्थ कंसर्न्स इन इंडिया जो अकरम की संपादित पुस्तक हेल्थ डायनामिक्स एंड मार्जिनल कम्युनिटीज से लिया गया है यह जो चौथा दृष्टिकोण है वो हम लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है समझने के लिए कि स्वास्थ्य को सामाजिक और सामुदायिक संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए यहाँ अब हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जब हम यह बोल रहे हैं कि समाज और समुदाय का भी स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ आपको यह समझना चाहिए कि हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं समाज या सामुदायिक रूप से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए इस पर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि अभी भी समाज में हम कई भिन्न भिन्न आधारों पर जो भेदभाव कर रहे हैं प्रत्येक मनुष्य के साथ उसको जो उचित सम्मान चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो चाहे मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो वह उसको नहीं मिल रहा है ऐसी परिस्थिति में वह कहाँ तक स्वस्थ रह पाएगा जब हम यह देखते हैं कि अभी भी समाज में किसी को उसके जाति उसके वर्ग उसकी लिंग और उसके क्षेत्र के आधार पर या अन्य कई आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है समाज द्वारा कई बार उसको बहिष्कृत तक कर दिया जाता है ऐसी अगर व्यवस्था चलती रही तो वह व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है अगर कोई सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से अपने आप को उस समाज में स्वस्थ नहीं पा रहा है तो वह कैसे सोचेगा कि वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहे और अगर कोई व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है तो निश्चित रूप से वह आज न कल शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हो ही जाता है यहाँ हमें इस बात पर चर्चा करने की ज़रूरत है कि जब हम सोचते हैं स्वच्छता का समाजशास्त्र तो स्वच्छता का समाजशास्त्र में हमें इस पर भी चर्चा करनी चाहिए कि स्वच्छता न सिर्फ व्यक्ति विशेष तक सीमित है अपितु जब हम समाज में चारों ओर इसकी चर्चा करते हैं तो हमें यह भी निर्धारित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना यह सोचे कि वह किसी जाति धर्म समुदाय का है उसको उचित सम्मान मिले क्योंकि जीने का अधिकार तो सबको है और स्वास्थ्य का अधिकार भी सबको है इसके लिए हम सबको मिलकर स्वच्छता का ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को जीने का भी अधिकार मिले और उसको स्वस्थ रहने का भी अधिकार मिल जाए इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए इस तरह जैसे हमने इस पर अभी विस्तृत चर्चा की है कि स्वास्थ्य क्या है हेल्थ जो है वह किसको हम कह सकते हैं और स्वास्थ्य किस तरह से स्वच्छता या स्वास्थ्य जो है किस तरह से संस्कृति या स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण योगदान किस तरह से हम मान सकते हैं समाज में और स्वच्छता और स्वस्थता किस तरह से जुड़ा हुआ है जब हमने स्वास्थ्य पर चर्चा कर ली है कि स्वास्थ्य क्या है इसके बाद हम अब चर्चा शुरू करते हैं कि जन स्वास्थ्य क्या है या इसको किस तरह से माना जाता है कि यह जन स्वास्थ्य है इस प्रसंग में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन या डब्ल्यू एच ओ ने कुछ इस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य को परिभाषित किया है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर्यावरण की स्वच्छता संचारी संक्रमण के नियंत्रण व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा के लिए संगठित सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से बीमारियों को रोकने जीवन को लंबा करने और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को और दक्षता को बढ़ावा देने का विज्ञान और कला है यह है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जो उन्नीस सौ बावन में आई थी उस पर ऐसा उल्लेख किया गया है इस तरह से हम जान सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य जो है एक बड़े पैमाना पर यह प्रयास करता है कि किस तरह से हम सामान्य व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रखें सामान्य व्यक्ति के पास ऐसी सुविधा हो जिससे वह स्वस्थ रह सके और सामान्य व्यक्ति के लिए बड़े पैमाने पर राज्य स्तर पर राष्ट्र स्तर पर विश्व स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हम यह मान सकें कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है और इसमें यह भी देखा गया है जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य या जन स्वास्थ्य की बात करते हैं कि इसमें सिर्फ समाज तक ही इसको सीमित नहीं रखा गया है व्यक्ति विशेष तक ही इसको सीमित नहीं रखा गया है अपितु इसमें सरकार का भी योगदान है विश्व स्तर पर जो और कई संगठन हैं उनका भी योगदान है उनके भी कुछ भूमिका इसमें निर्धारित की गई है इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है एक बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित इस पर चर्चा कर रहा है इसी तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य की और चर्चा करते हुए अगर हम देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों से बनी हुई है जो स्वच्छ पेयजल बुनियादी सीवेज और स्वच्छता सेवाओं और संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण तक पहुंच सुनिश्चित करती है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का एक घटक है यह स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और बीमारी के इलाज के लिए देश के क्लिनिकों अस्पतालों और अन्य सुविधाओं से बना हुआ है यह जो हमने लिया है यह मोहम्मद अकरम की पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन से लिया गया है इस तरह से आप जान सकते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को जब हम परिभाषित कर रहे हैं तो वह किस तरह से उसको माना जाता है क्या उस वह यह समझ रहा है कि किसकी क्या भूमिका होगी स्वास्थ्य में समाज की क्या भूमिका है व्यक्ति की, की क्या भूमिका है और उसी तरह से राष्ट्र या विश्व स्तर पर किसकी क्या भूमिका है इसको भी निर्धारित किया जाता है सार्वजनिक स्वास्थ्य में जब भी हम भारत में स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भोरेश कमिटी जो एक बनी हुई थी उसका प्रसंग में हमें चर्चा करना अनिवार्य माना जाता है अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो भोरे समिति की रिपोर्ट जो उन्नीस में आई थी वह ऐसा कुछ कहा गया है उसमें स्वास्थ्य योजना और विकास समिति की रिपोर्ट उन्नीस जिसे भोरे समिति रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है भारत के लिए स्वास्थ्य देखभाल डेटा का पहला संगठित सेट है खराब स्वास्थ्य स्थिति को और स्वच्छ स्थितियों की व्यापकता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था कुपोषण और अल्प पोषण के कारण उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर होती है मौजूदा चिकित्सा और निवारक स्वास्थ्य संगठनों की अपर्याप्तता सामान्य और, और स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव बेरोजगारी और गरीबी ने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और परिणाम स्वरूप अपर्याप्त पोषण अनुचित आवास और चिकित्सा देखभाल की कमी हुई भोरे समिति का जो यह रिपोर्ट है इसमें विस्तृत चर्चा की गई है कि कौन कौन से ऐसे कारण थे क्या कारण है जिससे हम यह मान सकते हैं कि भारत में स्वास्थ्य की जो दुर्दशा है वह ऐसा क्यों है और क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और कौन कौन से इसके अंग हैं जिसके कारण कहा गया है कि भारत में स्वास्थ्य की समस्या का समाधान भी किया जा सकता है खांसी इसमें यह भी स्पष्ट रूप से देखा गया था बहुत पहले देखा गया था कि स्वच्छता की जो परिकल्पना है वह स्वास्थ्य की परिकल्पना से बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है स्वच्छता के कारण भी कई बार ऐसा देखा गया है कि हम स्वस्थ वातावरण नहीं बना पाते हैं अस्वस्थ वातावरण में या अगर स्वच्छता की पूरी व्यवस्था नहीं की गई है तो उस स्थिति में स्वस्थ मनुष्य के रहने की कल्पना नहीं की जाती है साथ ही इसके कारण बेरोजगारी आवास की समस्या या विस्तृत स्तर पर जो बहुत सारी कठिनाइयां थी उसके भी इस भोरे समिति रिपोर्ट में बताया गया था जो हमारे लिए एक संदेश था कि हमें अब सजग हो जाना चाहिए और इसके आधार पर हमने कई ऐसे कार्यक्रम भी भारत में शुरू किए गए हैं खूब ज़्यादा वह सफल भी हुए हैं किंतु अभी भी ज़रूरत है कि ऐसे और कार्यक्रमों के अलावा हम अपने स्तर पर भी नियमित रूप से स्वच्छता के प्रसंग सोचते रहें और जिससे और अधिक हम स्वच्छता और स्वस्थ समाज की परिकल्पना करते रहें अगर हम ऐसे कुछ कार्यक्रमों की चर्चा करें तो हमारे पास सबसे पहले यह एक तुरंत आ जाता है ध्यान में जिसको आजकल एन कहते हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता है जो 2005 में आया था 1978 के घोषणा जो अल्माटा आटा डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया था ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की समझ पर एक अंतर दृष्टि दी इसने स्वास्थ्य को किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग माना इसने स्वास्थ्य और उस रूपरेखा को सबसे समग्र समझ प्रदान की जिसे राज्यों को विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है लोगों की आय शिक्षा और स्वास्थ्य के अंतर को पाटने के लिए मई 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया मिशन जिला और उप जिला स्तर पर स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों में पंचायती राज संस्थाओं को नेतृत्व देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रशासन में एक बड़े बदलाव का प्रयास करता है इसका उद्देश्य आशा या मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नामक स्वैच्छिक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रावधान के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली को की पहुंच को गांव और यहां तक कि घरेलू स्तर तक बढ़ाना है इससे पता चलता है कि हम कितना सजग हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ऐसे प्रचार किए जाते हैं कैसे ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे स्वास्थ्य संबंधित किसी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो आप अपने क्षेत्र में आशा दीदी का सबने नाम सुना हुआ है आशा दीदी के माध्यम से निश्चित ही स्वास्थ्य के से संबंधित जो भी हमें कठिनाइयां हैं निचले स्तर पर उसका समाधान किया जाता है और वह आशा दीदी गांव गांव की समस्याएं और प्रखंड स्तर पर जो कैसी योजनाएं हैं या क्या समस्याएं हैं इस बीच की कड़ी के रूप में वह काम कर रही हैं इस तरह से जितने न सिर्फ एन या कई सारे ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं विभिन्न योजनाएं कार्यरत हैं राष्ट्र स्तर पर या राज्य स्तर पर जिससे स्वास्थ्य की समस्या का जल्दी से जल्दी निदान किया जा सके और इस तरह से किसी तरह से अस्वस्थता हमारे देश में प्रगति के लिए बाधक कभी न बने अब अगर हम यह देखें कि मूलतः मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं हैं जो स्वच्छता और स्वच्छता के बीच में आ रही हैं ऐसी कौन कौन सी बिंदु है जिस पर हमें विस्तृत चर्चा करने के बाद यह पता चल सकता है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है प्रदूषण जैसा कि आप सब जानते हैं आप घर से बाहर निकलते हैं जिधर जाते हैं उधर एक ही चर्चा हो रही है वहाँ का वायु ठीक नहीं है उधर ऐसा प्रदूषण है वहाँ वैसा प्रदूषण है आजकल तो अब न्यूज में भी आप प्रतिदिन सुनते हैं कि उस शहर का जो प्रदूषण स्तर है वह बहुत खराब हो गया है उस शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है आपके परिचित या सगे संबंधी या और मित्र अलग अलग शहरों में रह रहे होंगे वहां से जब आपकी दैनिक वार्तालाप होती है आपको पता चलता होगा कि उस शहर में क्या भयावह स्थिति है यह प्रदूषण जो है निश्चित रूप से पर्यावरण का अभिन्न अंग है और प्रदूषण के लिए अगर आप सामान्य रूप से स्वच्छता का वातावरण नहीं रखते हैं आप समझते होंगे कि बड़े स्तर पर प्रदूषण हो रहा है राष्ट्र स्तर पर विश्व स्तर पर प्रदूषण की समस्याएं हैं मेरे एक, छो, एक दो छोटे काम कर देने से इसमें क्या अंतर पड़ेगा किंतु आप ऐसा कदापि न सोचें हमारा जो एक छोटा सा ही प्रयास होता है वही मिलके बड़ा प्रयास का भाग बन जाता है अगर हम यह सोचें कि मेरे द्वारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे किसी तरह से वायु प्रदूषण हो किसी तरह से जल प्रदूषण हो किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण हो या ऐसा कोई भी समस्या ऐसा न हो जो मेरे कारण किए हुए उस जो घटना है उसके कारण वह बढ़ी है हम अगर हर व्यक्ति यह सोच लें कि मैं इसका कारण नहीं बनूंगा। जैसे अगर हम इस बात पर चर्चा करें प्रदूषण पर तो अगर हम स्वच्छता सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है या पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है जैसे अगर आप कार्यालय में काम कर रहे हैं जहां आप कार्यरत हैं आप उसी जगह आपके जहां निवास स्थान है वहां से और भी पाँच छः लोग जा रहे हैं निश्चित रूप से आप एक साथ जाया करें जिसको कार कहते हैं या आप एक ऐसे साधन की व्यवस्था करें जिसमें सब लोग एक साथ चले जा सकें तो छह लोग अगर अलग अलग साधन से नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से न सिर्फ डीजल या पेट्रोल की बचत होगी बल्कि वातावरण और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा इस तरह से अगर आप घर में हैं आपको लग रहा है कि बिना एसी को चलाए भी हम रह सकते हैं आप ये सोच सकते हैं ए मैं चला रहा हूँ पैसा मैं दे रहा हूँ इससे दूसरे को क्या असर पड़ता है किंतु ऐसी बात नहीं है आपके चला लेने से उसे जो गर्म हवा आपके बाहर निकल रही है अंदर तो आप ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं किंतु कुछ क्षण के लिए आप सोचें उसके से जो बाहर गर्म हवा निकल रही है क्या जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है उसमें उसकी भूमिका नहीं है और अप्रत्यक्ष रूप से आप उस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में आप अपनी भूमिका दे रहे हैं तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें थी जब आपको लग सकता है कि हम अपने व्यवहार में थोड़ा सा अगर परिवर्तन ले आए तो हम ये जो विश्व स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर या हमारे क्षेत्र में जो प्रदूषण की समस्या है इसको मेरे इस व्यवहार से कम किया जा सकता है आप खुद भी ऐसा करें और दूसरों को भी प्रेरित करें जिससे प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके दूसरी समस्या है पेयजल की आप भाग्यशाली हैं अगर आपको पीने का पानी या बाकी पानी आपको समय पर बिना किसी अधिक परेशानी की आपको मिलती है निश्चित रूप से तब आप भाग्यशाली हैं क्योंकि इसी विश्व में इसी देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है अगर आप पानी मिल भी रहा है आप इसमें भी ऐसा न सोचें कि मेरे पास तो पानी की प्रचुर व्यवस्था है पानी की कोई समस्या नहीं है जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उतना ही पानी खर्चा करें जितने की आपको आवश्यकता है अगर आप कोई साफ सफाई कर रहे हैं अगर आपके घर में पानी के लिए आर का मशीन है आप यह सोचें उससे जो पानी निकल रहा है कुछ तो काम के पानी आ जाते हैं कुछ बेकार पानी निकलते हैं उसको भी आप निश्चित रूप से संग्रहित करें उसको संचय करके आप किसी और उपयोग में ले आएं तो पेयजल की जो समस्या है आपको नहीं है लेकिन आपके कारण किसी और के लिए कल जाके बन सकती है इसी तरह से अगर हम ये सोचें अपने बच्चों में भी वही संस्कार दें कि उतना ही पानी लें अगर आपको आधा गिलास पानी ही पीना है तो एक गिलास पानी उसमें न भरें आधा ही गिलास पानी लें जिसके बाद आधा आप पी लें फिर अगर आपको और प्यास लगी है तो फिर उसे भर लें इस तरह से पानी की बर्बादी को आप छोटे छोटे अपने व्यवहार में परिवर्तन ला के आप इसमें योगदान दे सकते हैं साथ ही पेयजल की समस्या तब और अधिक समस्या बन जाती है अगर हम इसको लिंग जनित और लैंगिक असमानता की बात करें क्योंकि माना जाता है कि साफ़ सफाई स्वच्छता यह महिलाओं के द्वारा ही किया जाना चाहिए या जो पितृसत्तात्मक सोच है हमारी उसमें हम यह मानते आ रहे हैं कि महिलाएं ही इसकी व्यवस्था करें और इसके लिए आपको यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि कई क्षेत्र में महिलाओं को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए और पुरुष उस घर में रहते हैं परिवार में रहते हैं लेकिन चूंकि पितृसत्तात्मक सोच के कारण हम यह मान कर बैठे हैं कि यह व्यवस्था महिलाओं द्वारा ही की जानी चाहिए तब उसके लिए उनको बहुत दूर दूर भी जाना है अगर आपको लग रहा है कि यह बात उचित नहीं है और इसको मैं एक आंकड़ों के द्वारा भी आपको समझा रहा हूँ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हुआ था एन उसके चौथे दौर में पूछा गया था कि घर में पानी कौन लाता है भारत वर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से महिला और पुरुषों से यह पूछा गया था उस सर्वेक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष आए थे ये एन फोर्थ राउंड के चौथे दौर में उसमें यह पाया गया कि पंद्रह से ऊपर वर्ष के जो महिलाएं थी अस्सी प्रतिशत वह पानी लाती थी अस्सी प्रतिशत महिला लाती थी पानी दूर से जबकि सिर्फ 16 प्रतिशत पुरुष ही लाते थे पानी दूर से जो 15 वर्ष से ऊपर के थे अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ 16 प्रतिशत पुरुष और 80 प्रतिशत महिलाएं घर में पानी लाने का काम करती थी अगर दूसरी बात हम देखें कि बच्चों से क्या उम्मीद की जाती थी तो 15 वर्ष से निम्न आयु के जो लड़की थी वह तीन प्रतिशत लड़की लाती थी पानी बाहर से घर के लिए जबकि प्रतिशत से कम बच्चा जो लैंगिक असमानता है यह जो, जो व्याप्त है समाज में यह न सिर्फ स्वच्छता न सिर्फ और बल्कि कई अलग अलग स्तर पर भी आपको देखने को मिलेंगे आपका इसमें योगदान हो सकता है पेयजल ऐसा न समझें कि पेयजल की समस्या सिर्फ इतना तक सीमित है कि मुझे एक गिलास पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या मेरे घर में पानी की उचित सप्लाई है कि नहीं है बल्कि ऐसी कई और से सामाजिक मान्यताएं हैं आपके समाज में आपकी संस्कृति में आपके समुदाय में ऐसी व्यवस्था हैं जिसको अगर आप चाहें तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं जिससे न सिर्फ पर्यावरण न सिर्फ स्वच्छता बल्कि समाज भी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा और इसमें सभी व्यक्तियों का समान योगदान होगा और सब भी खुशहाल रहेंगे क्योंकि अगर इस कष्ट में अगर लैंगिक असमानता के कारण कोई महिला रह रही है या आधी आबादी हमारी रह रही है तो किस रूप से हम यह कहें कि वह मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है इस पर आपको चिंतन करने की निश्चित रूप से ज़रूरत है अगर हम दूसरी ओर बढ़ें तो इसके बाद की एक प्रमुख समस्या है आवास की आप यह भी देख रहे हैं कि गांव में अलग तरह की आवास की समस्या है शहरों में भले ही आपको बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं बड़े बड़े अट्टालिकाएं दिख रही हैं जो यह द्योतक है कि यह शहर बहुत विकास कर गया है यह आपको सोचने की जरूरत है कि उसी बड़े बड़े तथाकथित बड़े बड़े शहरों में जो तथाकथित विकास के ऊंचे पैमाने पर पहुंच गया है गंदी बस्ती जो वहाँ है हर बड़े शहरों में आपको गंदी बस्ती भी नज़र आ जाएगी और गंदी बस्ती में अगर एक बार आप चले जाएंगे तो आप शायद इससे भी हिचकिचाएंगे कि मैं उस ओर न जाऊं जहां पर ना आप ठीक से सांस ले पाएंगे ना ही कभी सूर्य की रोशनी पहुंचती है ना ही पानी के बहने की व्यवस्था है न ही शौच की समुचित व्यवस्था है तो इसी आवास की व्यवस्था में हमें यह भी सोचना चाहिए एक और अगर अट्टालिकाएं हैं बड़े बड़े भवन हैं जिसके आधार पर हम यह कह रहे हैं बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं बड़े बड़े अच्छे सड़क हैं उस पर हम यह अपने आप का दावा कर रहे हैं कि हम काफ़ी विकसित हो रहे हैं उसी और आपको इस बात पर भी चिंता करनी चाहिए कि उसी बड़े बड़े जगहों में ऐसे कई गंदी बस्तियां भी हैं जिसमें भी लोग रह रहे हैं हमारे आपके जैसे ही लोग उसमें भी रह रहे हैं उसमें किसी खास जगह से लोग नहीं बुलाए जाते हैं हमारे ही आपके भाई बहन उसमें भी रह रहे हैं उसके बारे में भी हम अगर सोचें अगर आवास की समुचित व्यवस्था हो जाए चाहे बड़े शहरों में या गाँव स्तर में भी कई स्तर अभी ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक आवास की उचित व्यवस्था नहीं है हम यह मानते हैं कि कई ऐसे योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती है सरकार योजनाएं बनाती हैं क्रियान्वित भी कर रही हैं सफल भी हो रही हैं लेकिन एक व्यक्ति विशेष के रूप में एक समाज के सक्रिय सदस्य होने के रूप में अगर मैं सक्षम हूँ तो मेरा क्या योगदान हो सकता है दिशा में इस पर भी आपको चिंतन करने की ज़रूरत है उसी तरह अगर हम आगे चलें तो धूल खाद्य पदार्थों में मिलावट यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है आप इधर निकलेंगे निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि चारों ओर कितने धूल हैं इसी तरह जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ जो आजकल जो सड़क पर जो सामान बिक्री हो रहे हैं चाहे वो फल हो चाहे सब्जी हो या कई जगह तो और खाद्य पदार्थ भी प्रदर्शित किए रहते हैं अगर आप वह खा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से समझिए कि जिस धूल के कारण आप ठीक से वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं जा नहीं पा रहे हैं उसी धूल में आपको जो मिला हुआ हुआ खाद्य पदार्थ है वह खा रहे हैं इसी तरह से अगर हम यह देखें कि अगर हम खरीद रहे हैं कोई सामान या हम कुछ खुद ही बेच रहे हैं तो हम ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कुछ मिलावट न हो या धूल ना हो या इस तरह का कोई रासायनिक पदार्थ न हो जिसको खाने से कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि ऐसे आपको ताज़े फल मिल रहे हैं ताज़े सब्जी मिल रहे हैं कई ऐसे आपको सब्जी मिल रहे हैं जो हर महीने अब आप आपको उपलब्ध हो रहे हैं कभी आपने सोचा ही होगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण यह तरोताज़ा दिख रहा है और हर समय उपलब्ध रहता है निश्चित ही उसमें कोई रासायनिक तत्व या लेप लगा हुआ है इससे भी सजग होने की ज़रूरत है और इस दिशा में भी हम काम करें कि हमारे कारण ऐसा कुछ ना हो जिससे हमें कोई परेशानी हो उसी तरह से जो अगली हमारी समस्या है अव्यवस्थित जीवन शैली आप सब समझ रहे हैं कि अव्यवस्थित जीवन शैली एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे आपके आसपास अव्यवस्थित जीवन शैली में ऐसा होता है कि हम आप खान पान पर रहन सहन पर अपने जो दैनिक दिनचर्या होता है हमारे आपके जो रूटीन है उस पर हम ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं भले ही आपके आसपास का माहौल जो है वह स्वच्छतापूर्ण है आप भले ही सामान्य रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं किंतु अगर आपका दिनचर्या और अगर आपकी जीवन शैली इस तरह से नहीं है तो वह भी आजकल एक जन स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है बहुत बड़ी एक समस्या बन गई है इस पर भी हमें चिंतन करने की जरूरत है जब हम इन सब मुद्दों के बारे में देखें कि क्या क्या समस्याएँ हैं है हमारे पास अगर हम स्वास्थ्य संबंधित इन सब चर्चा कर रहे हैं हमें यह भी देखना चाहिए कि स्वास्थ्य की स्वच्छता के साथ क्या संबंध है एक स्वच्छता आप सोच सकते हैं कि स्वच्छता से हम किस तरह से ऐसा मान लें कि स्वच्छता की अगर हम बात करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं अगर हम इस पर चर्चा करें तो आइए अब हम इस पर विशेष विश्लेषण करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता की क्या भूमिका है इस पर अगर हम देखें तो पहला जैसे अगर हम चर्चा करें तो व्यक्तिगत स्वच्छता निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि व्यक्तिगत स्वच्छता आप समझ सकते हैं कि मेरे स्वस्थ रहने नहीं रहने से दूसरे को क्या प्रभाव पड़ता है ऐसी बिल्कुल ही बात नहीं है आपके जो परिवार के संबंध हैं ऐसे व्यक्ति जो आपके निकट रहते हैं आपकी रख रखाव आप जिस तरह से अपने का आपका जो पहनावा है आप जो खाते पीते हैं आप जो बहुत कुछ करते हैं उससे निश्चित रूप से दूसरों को नुकसान करता है अगर आप सिगरेट बेड़ी पीते हैं तो आपको जितना नुकसान कर रहा है उससे ज्यादा ही नुकसान आपके आस पड़ोस में जो जिसको वह आ, उसको सांस को प्रभावित करेगा और उससे निकलने वाली धुआं जो है उसको भी प्रभावित करेगा इसी तरह आपका ऐसा कुछ व्यवहार है ऐसे कुछ आपके पहनावे हैं ऐसे कुछ भी आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य में या आप यह समझ रहे हैं कि यह मेरा घर है इसको मैं कैसे भी रखूं वहां अगर आपने गंदगी छोड़ दिया है निश्चित रूप से अगर कल जाके वह बदबू देने लगेगी तो आपके आस पड़ोस के जो लोग होंगे उनको भी प्रभावित करेगा व्यक्तिगत स्वच्छता से और इसकी विपरीत अगर आप सोचें व्यक्तिगत स्वच्छता में अगर हम ध्यान दें हम यह सब हम यह सब, सब सोच लें कि व्यक्तिगत रूप से हम स्वच्छता के लिए पूरी कोशिश करेंगे व्यक्तिगत रूप से हम स्वच्छ रहेंगे हमेशा व्यक्तिगत रूप से हम अपनी जो स्वच्छता है उसका पूरा वातावरण बनाकर रखेंगे निश्चित रूप से काश ऐसा होता हर व्यक्ति अगर व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दे तब हमें ना तो कोई स्वास्थ्य स्वास्थ्य की समस्या आएगी ना हमें जन स्वास्थ्य की समस्या आएगी तब तो कोई पर्यावरण ऐसी कोई समस्या ही नहीं रहेगी क्योंकि व्यक्ति स्तर पर ही कोई समस्या बन के आगे चलकर वह बड़े लेवल पर समस्या बनते हैं बड़े लेवल पर वह समस्या बन जाती है इसके प्रसंग में भी हमें सोचना चाहिए कि व्यक्तिगत स्वच्छता से बहुत कुछ हम निदान कर सकते हैं स्वास्थ्य के प्रसंग में दूसरी अगर हम देखें पौष्टिक और पवित्र भोजन निश्चित रूप से पौष्टिक भोजन की हम बात करें आजकल आप सब लोग सुन रहे होंगे विज्ञापन भी आ रहे हैं आप लोग समाचार से भी जान रहे होंगे कि मोटे अनाज की चर्चा हो रही है अब आप ये ध्यान दें मोटे अनाज कोई नई चीज नहीं है भारत में परंपरागत रूप से हम ऐसे मानते आ रहे हैं कि हम जो अपना अन्न है अन्नपूर्णा कहा जाता है हम अन्न का आदर करते हैं हमारे पास जो उपलब्ध है उसको हम खाएं इस तरह से आपके पास बहुत कुछ मिला हुआ है हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि प्रकृति ने हमें भारत में बहुत कुछ दिया है जानने की यह जरूरत है कि उसकी जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है उसको हम बनाए रखें उसमें हम कुछ मिलावट न करें न हम दूसरों के लिए करें न हम किसी और को करने दें और स्वयं भी हम वैसे ही उत्पाद ग्रहण करें जिससे वह पवित्र रहे तो निश्चित रूप से हमारी इस प्रसंग जो स्वच्छता है वह भी हमें स्वस्थ रखने में निश्चित रूप से कारगर होगी इसी तरह से अगर हम शुद्ध पेयजल की बात करें शुद्ध पेयजल जो है निश्चित रूप से किसी के लिए अनिवार्य है और जब प्रत्यक्ष रूप से आप कोई पानी पीते हैं अगर उस पानी में कुछ मिलावट है तब आपको निश्चित रूप से वह नुकसान देगा और शुद्ध पेयजल अगर आप लेते आ रहे हैं अगर दूसरों के लिए भी आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करते हैं यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जब शुद्ध पेयजल की हम बात करते हैं ऐसा नहीं है कि ग्लास में आप आर पानी लेके पानी पी लें आप यह समझ लें कि शुद्ध पेयजल हमने व्यवस्था कर ली और हम इससे मदद कर सकते हैं अपे तो आपको यह भी सोचना चाहिए आपने तो वह आर का पानी लेके शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अपने लिए कर ली लेकिन कई ऐसे व्यक्ति हैं जो आर मशीन को ना लगा सकते हैं या उनको और किसी माध्यम से पानी मिल रहा है अगर आप किसी तरह से जल को प्रदूषित कर रहे हैं मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं या और कोई आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पानी का जो स्तर है वह प्रभावित होता है वह जो पानी का है तालाब है चाहे चापा कल हो इसका जो जल स्तर है वह भी दूषित हो रहा है धीरे धीरे तब आपने तो अपने लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर ली लेकिन उनके लिए क्या होगा जो आपके कारण शुद्ध पेयजल नहीं पी पाएंगे जरा इस पर भी आपको चिंतन करने की जरूरत है कि जब हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं तो हम इतने स्वार्थी न हो जाएं कि हमें तो शुद्ध पेयजल मिल जाए लेकिन हमारे कारण हमारे किसी छोटे मोटे व्यवहार के कारण आचरण के कारण दूसरा वह शुद्ध पेयजल न पी पाए हमें यह भी सुरक्षित करना होगा निश्चित करना होगा कि हमें भी शुद्ध पेयजल मिले और हमारा ऐसा कोई व्यवहार न हो जिससे दूसरों को भी शुद्ध पेयजल न मिल पाए इस दिशा में भी आपको सोचने की जरूरत है इसी तरह पर्यावरण स्वच्छता निश्चित रूप से जब हम पर्यावरण स्वच्छता की बात करते हैं इसमें सब कुछ आ जाता है चाहे वह जल प्रदूषण हो ध्वनि प्रदूषण हो मृदा प्रदूषण हो वायु प्रदूषण हो आप ऐसा वातावरण का निर्माण करें इसके लिए जैसे हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा किए थे परिवार और स्वच्छता पर आप वृक्षारोपण कार्यक्रम कर सकते हैं आप जब भवन का निर्माण करते हैं तो ऐसा भवन का निर्माण करें जिससे आपको तो लाभ हो उसके कारण किसी दूसरे को नुकसान न हो इसी तरह अगर आप कोई फैक्ट्री या इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में जा रहे हैं वहां कुछ औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां भी आप ध्यान रखें कि मेरे कारण से पर्यावरण में कोई नुकसान न हो क्योंकि अगर आपके औद्योगिक क्षेत्र का कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे वहां का जल प्रदूषित हो रहा है वायु प्रदूषित हो रहा है निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता है इसी तरह अगर आप अपने घर में व्यक्तिगत स्तर पर कूड़ा कचरे का निपटान उचित ढंग से नहीं करते हैं आपके आसपास कोई जानवर मृत पाया गया उसका आप उचित जगह पर उसको नहीं रखते हैं इन सब चीजों से जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको थोड़ा सा सिर्फ समय लगेगा लेकिन अगर आप ऐसा काम कर लेते हैं तो निश्चित से पर्यावरण का को अगर आप स्वच्छ रखते हैं पर्यावरण अगर आपका स्वस्थ है तो निश्चित रूप से न सिर्फ आपके लिए भी वह लाभकारी होगा अपितु आपके आसपास या समाज या अंततः बड़े पैमाने पर लोगों को इससे लाभ ही लाभ मिलने वाला है इसी तरह से अगर हम उपभोक्ता भोजन के लिए स्वच्छता की बात करें इसमें अगर हम चर्चा करें तो आप यह देख सकते हैं कि आजकल कई ऐसे मिलावटी खानों की बात चल रही है मिलावटी मसाला मिलावटी मिठाई मिलावटी पानी हर जगह मिलावट मिलावट आप हर जगह सुनते आ रहे होंगे ऐसी आप व्यवस्था करें कि आपके नजर में अगर कोई ऐसी घटना आ रही है या आप कम से कम इसमें सहभागी तो बिल्कुल ना बने अगर आपको लग रहा है कि मेरे प्रयास से क्योंकि आर्थिक रूप से अपने को संपन्न करने के और कई तरीके हो सकते हैं इसलिए हम ऐसे कोई गलत रास्ते पर गलत काम ना करें जिससे मुझे तो आर्थिकोपार्जन में लाभ हो रहा है किंतु इसके कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है आप इस बात पर भी जरूर सोचें कि जिस पर्यावरण में आपके कारण अगर कोई पर्यावरण खराब हो रहा है या ऐसी कोई महामारी फैल रही है उससे आपको ऐसा नहीं होगा कि आप तो पैसा कमा लेंगे दूसरा उससे प्रभावित हो जाएगा दूसरा प्रभावित होगा लेकिन आज नहीं कल जाके आप या आपके बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं उसके दुष्परिणाम से तो हमें इसके बारे में भी सजग रहने की जरूरत है इस पर भी हम ध्यान दें इसी तरह से अगर हम स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें आज आप लोग जानते होंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित पर्यावरण से संबंधित और इसी तरह से स्वच्छता से संबंधित कई ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके बारे में चाहे वो स्कूल स्तर पर हो कॉलेज स्तर पर हो या फिर विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी स्तर पर हो कई जगह इसको पाठ्यक्रम में लाया गया है अभी जो नवीनतम 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसकी पूरी चर्चा की गई है स्वच्छता के प्रसंग स्वास्थ्य के प्रसंग पर्यावरण के प्रसंग इसी तरह से सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है आपके यहाँ निश्चित रूप से कई ऐसे व्यवस्था की गई होगी जिससे आपके आसपास का स्वास्थ्य अच्छा रहे आपके आसपास लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे आपके आसपास का वातावरण अच्छा रहे ऐसी संपूर्ण व्यवस्था की गई है कई ऐसे शिक्षा पद्धति हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि हमें यह बताया गया है किंतु आपको यह समझने की जरूरत है यह समझने की जरूरत है कि इसमें आप ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको यह लगे कि हम जो समझ रहे हैं हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसको इस बारे में हम जान लें जिससे न सिर्फ हम उसका उपयोग करें अपितु इसमें हम यह ध्यान दें कि दूसरा जो हमारे समाज का है उसको भी इसका उचित अवसर मिले इसके लिए ज्वलंत उदाहरण आपको कुछ वर्ष पहले जब कोरोना वायरस आया था कोरोना वायरस का जब आगमन हुआ जब भी हम जन स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं या सार्वजनिक स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं इससे पहले जब शुरुआत हुई थी बहुत वर्षों पहले ये शुरुआत हो गई थी जन स्वास्थ्य की जब महामारी आ रहे थे विश्व में कई स्तर पर जब महामारी आने शुरू हुए तब भी लोगों में सजगता जागी कि आखिर ये महामारी या ऐसा बहुत कुछ ऐसे प्रलयकारी बीमारियां आ रही हैं इसका समाधान कैसे हो इसी पृष्ठभूमि में जन स्वास्थ्य की उत्पत्ति हुई लोगों ने जब चर्चा शुरू करने शुरू की तो महामारी के आगमन के बाद ही लोग सजग हुए कुछ ने सोचा कि यह अधिकार होना चाहिए यह सरकार को करना चाहिए समाज को करना चाहिए इस पर चिंतन मंथन चलता रहा अभी जब कोरोना वायरस आया 2020 में कोविड 19 जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस आपको एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य कैसे अंतर संबंधित है आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस आया था तब स्वच्छता से संबंधित हम कितने सजग हो गए थे बहुत ज्यादा ही हम सजग हो गए थे कोरोना वायरस के आने के बाद हम चाहे वो हाथ धोने की बात हो चाहे हाथ मिलाने की बात हो चाहे खाने की बात हो चाहे कपड़े पहनने की बात हो हर छोटी छोटी चीज कितनी सजगता से हम कर रहे थे क्योंकि उस समय हम इसलिए सजग थे क्योंकि हम डरे हुए थे कोरोना वायरस का आगमन स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता है अगर हम कोरोना की, का अनुभव लेने के बाद हम लोग आज जो भी हैं सबके पास अनुभव है हाल ही में में का जो आक्रमण हुआ था और यह कई फेज में जब आया तब हम सजग हो गए थे हमें यह निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें उस दिन का इंतजार ना करें जिसमें फिर कोई कोरोना वायरस आए फिर कोई विश्व स्तर पर ऐसे महामारी आए और उसके बाद ही हम सजग हो जाएंगे अपितु आज से ही आप ऐसे वृक्षारोपण शुरू करें जिस वृक्षारोपण से पर्यावरण भी ठीक होगा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा आजकल ऐसे से ही आप अपनी दिनचर्या ऐसे बना लें जिससे निश्चित रूप से आप अच्छी तरह स्वच्छता का माहौल आपके परिवार में रहे आपके समाज में रहे और अंततः यह आपके स्वास्थ्य को ही प्रभावित करेगा इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता और स्वच्छता को समझने के लिए हमें कोविड वायरस जो है एक निश्चित रूप से आपको वह एक पाठ पढ़ा के चला गया है और अगर हम यह इतना बड़ा पाठ पढ़ा के चला गया है कि हम सब ने अपनों को खोया है बहुत कुछ खोया है हमने इस कोरोना वायरस के कारण लेकिन अब हमें यह नहीं खोना पड़े इसके लिए हमें सजग होना पड़ेगा और जब हम यह सोचते हैं कि स्वच्छता का हम निश्चित रूप से पालन करेंगे चाहे जिस स्तर पर हो चाहे वह व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो और हमारे समाज में जो मान्यताएं चल रही हैं उस पर भी हमें चलें कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो हमें मिली हुई है संस्कृत द्वारा प्रदत्त जो हमें दी गई है उसकी भी हम चर्चा करें उसकी भी हम देखभाल करें हम पर्यावरण की रक्षा करें निश्चित रूप से समाज में जब हम स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं तो वह सबको समान रूप से मिलना चाहिए इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी तरह का जातिगत लिंगगत या संप्रदायगत या कोई क्षेत्र विशेष का है इस आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो आप सोच ही नहीं सकते हैं समाज का एक भाग जो पर्यावरण उसके लिए अलग होगा और दूसरे भाग के लिए पर्यावरण अलग होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है आप अगर स्वच्छता रखते हैं आप यह सोचें कि हम अपना भी मदद कर रहे हैं दूसरों को भी मदद कर रहे हैं इस तरह से आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य इस दोनों का समाज के साथ सामाजिक मान्यता मूल्य संस्कृति के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है तो अपने आसपास का अपने व्यक्तिगत स्तर पर अगर आप स्वच्छता का उचित ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप भी स्वस्थ रहेंगे और आप समाज को भी स्वस्थ रखेंगे इस तरह से हमें यह इस पूरे व्याख्यान में इस बात पर चिंतन करने की जरूरत पड़ेगी कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए स्वच्छता की क्या अनिवार्यता है इस पर जो हमने आज चर्चा की है इसके लिए अगर आप और ज़्यादा गहन चिंतन करना चाहते हैं और अधिक पढ़ना चाहते हैं तो हमने आपके लिए संदर्भ सूची तैयार की है यह संदर्भ सूची आप देख सकते हैं जिससे इस पर आप गंभीर चिंतन कर सकते हैं यह संदर्भ सूची कुछ इस प्रकार है मोहम्मद अकरम की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन मोहम्मद अकरम की संपादित पुस्तक है हेल्थ डायनामिक्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ वी बी हंस की पुस्तक है कल्चर ऑफ सेनिटेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टू सुलभ हेथकर झा की पुस्तक है सेनिटेशन इन इंडिया अ हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल सर्वे बी के नागला की पुस्तक है सोशोलॉजी ऑफ सेनिटेशन बी के नागला का एक आलेख है प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन इन इंडिया डज कल्चर मैटर यह प्रकाशित हुई थी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में रिचर्ड पायस की पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन जे ई पार्क एंड के पार्क की पुस्तक है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बिंदेश्वर पाठक की संपादित पुस्तक है सोशियोलॉजी ऑफ सेनिटेशन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल डेप्रिवेशन जी आर पी सिंह की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र अनिल वघेला की पुस्तक है स्वच्छता का समाजशास्त्र। इन विभिन्न पुस्तकों की आप मदद ले सकते हैं और इस तरह से हमने यह देखा है कि स्वच्छता का समाज के साथ, का के साथ क्या संबंध है इस पर हमने आज पूरी चर्चा की है जिस पर आज हमने यह समझने की कोशिश की हमारा जो अगला व्याख्यान होगा वह उस पर केंद्रित रहेगा कि स्वास्थ्य से संबंधित स्वच्छता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य क्या है स्वच्छता का इसकी विशेष विवेचना हम विस्तृत विवेचना हम करेंगे अपने अगले व्याख्यान में इस तरह से आज हमने चर्चा की स्वच्छता और स्वस्थ रहने के लिए या स्वच्छता समाज और स्वास्थ्य में क्या संबंध है इस पर आज हमने विस्तृत चर्चा की आपने इस व्याख्यान को काफी गंभीरतापूर्वक लिया और धैर्यपूर्वक सुना इसके लिए आपका धन्यवाद